यूके ट्रिपल एससी के अध्यक्ष एस राजू जी मौजूद हैं, उनसे ही पूरा समीकरण के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ आपके सवाल भी लेंगे। जितने भी आपके सवाल हैं वो तो सवाल आप जरूर पूछिएगा। एस राजू जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमें समय दिया। सर, आज बड़ी कार्रवाई हुई है एसटीएफ के द्वारा और 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। शुरू से आप भी कह रहे थे कि कुछ ना कुछ आपको भी लगता है कि ब्लैक शिप्स इसमें, तो पूरा समीकरण बताइए सर, कहाँ से शुरू हुआ? क्योंकि एसटीएफ 2 दिन में तो ये सब चीज़ें कर नहीं सकती। आयोग की तरफ से क्या कुछ सहयोग मिला, क्या कुछ प्रूफ उनको दिए गए, क्या कुछ रहा? क्योंकि अभी भी आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं अध्यक्ष जी और संतोष बड़ोनी जी का भी नाम इसमें आना बाकी है। जो उसमें वो तो लोग आएंगे इसका, जब से जो एग्ज़ाम जो रिजल्ट डिक्लेयर किया था तब से इसमें तो लोग मांग तो हो रही है इसका। तो मैंने एक बार रिजल्ट डिक्लेयर करने के पहले एक बार मैंने देखा था उसका जो नक्शा वगैरह देखा था, मुझे भी डाउट आया कुछ लोगों का, इसलिए मैं स्वयं मन बना के गया कि इसमें कुछ तो ब्लैकशिप है, लेकिन कितना है दैट आई हैव नो आइडिया। तो इसके बाद जब ये जो मेरे पास आए थे बाबी बवर आए थे और एक लिस्ट भी मांगा था भाई कौन कौन उसमें डाउटफुल है, लिस्ट दिया गया था 64 का प्लस मेरी ओन लिस्ट भी थी। ये सब मिला जुला कर हम कमीशन में लगभग 1.5 महीने में हम लोग यही काम में लगे हुए थे कि उनके पुराने रिकॉर्ड सबका कार्ड डाला देंगे, कब कब एग्ज़ाम लिखा था, क्या मार्क लिया है, पुराने 7-8 एग्ज़ाम हम लोग निकाल कर दिए थे। और इसके बाद अल्टीमेटली हम लोगों ने 82 नाम भेजा एसटीएफ को 1.5 महीने के पहले इसका। हाँ देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ये कहा जाता है कि व्हाट्सएप जिसमें 63 क्वेश्चन बाहर आया था उसके बारे में तो पुलिस कुछ नहीं कह रहे हैं, सिमिलरली जो बाद में व्हाट्सएप उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, ये कि वो जो हमने भेजा जो 82 उसी में कह रहे हैं कोई संदेह है उनका, तो उसके वजह से लोगों ने अभी कार्रवाई की है इसको। तो सो जब ये मुझे एसटीएफ को रिपोर्ट मिला था कि इसमें कुछ गड़बड़ है जरूर, तो फिर मैं मंडे इसको सोमवार को मैंने फैसला ले लिया था इसमें एफआईआर करना है। तो ट्यूसडे भी हमारे अंडर सेक्रेटरी वहाँ चले गए थे रायपुर थाने में करने के लिए, लेकिन इसमें एडवांटेज इसमें प्रॉब्लम ये है कि वो अगर एफआईआर करेंगे तो गोपनीयता भंग हो जाता है, तो पुलिस भी चार दिन थोड़ा देर कर रहे हैं इसको ताकि वो पूरा प्लान करें इसके बाद एफआईआर फेल हो जाए। सो ट्यूसडे से वेट कर रहा था वो एफआईआर, आके फ्राइडे में आके वो एफआईआर हुआ था इसका। तो अभी कुछ है कि वो लोगों ने कुछ किया है, तो अगर ऐसा कोई रिंग काम कर रहा है उनको पकड़ना तो पड़ेगा उसका। सर, इसमें जो छात्रों का जो सेलेक्शन हुआ है करीबन 916 इसमें भर्ती आती, तो अब उन छात्रों का क्या होगा जो जिसमें सेलेक्ट हो चुके हैं, उनका बड़ा परेशानी है, भर्ती कैंसिल होगी कि नहीं होगी, इसमें अब आगे होने क्या वाला है, अभी कितने और लोग पकड़े जाने हैं उनके लिए, उनके बारे में कहना भर्ती कैंसिल होगी कि नहीं? देखिए, भर्ती तो अभी फिलहाल तो कैंसिल करना नहीं है इसको, इट डिपेंड्स ऑन द फाइनल रिपोर्ट जो पुलिस देंगे। किसी भी जब जान चल रहा है उस समय हमको निर्णय तो लेंगे नहीं, फाइनल रिपोर्ट आने दें इसके बाद लेंगे। चूंकि मैंने इतना छानबीन कर दिया और लिस्ट को बार बार, मैं अच्छी तरह जानता है इसमें अधिकांश लोग जो है वो मैनेज से पास भी किए हैं, बिकॉज उनको पुराना मार्क भी बता रहा है कि कैसा लोगों ने मार्क लिया। तो ऐसा नहीं कि हर आदमी फर्जी मारा उसको, मेरा अनुमान है कि 30-40 अभी हो सकता है, मैं पहले भी कहता रहा इसका। तो लेट द पुलिस रिपोर्ट कम, जब फाइनल रिपोर्ट वो देंगे, जब फाइनल रिपोर्ट आने के बाद हम लोग निर्णय लेना पड़ेगा भाई इसका री एग्जाम होगा या जो केवल वो खाली बेड़े को निकालना पड़ेगा उसके बारे में बात होगा इसका। तो आपको मतलब 30-40 के आसपास का अंदाजा इसमें लग रहा है कि 30-40 हो सकते हैं इसमें? हाँ, वही तो शुरू से मेरा अंदाज था कि जो मैंने चिन्हित किया था वो जैसे वो जो बाबी पवार ने आगे जैसे 68 लाभ दिए उसमें तो कई सारा वो जो ऐसे गरज में लोगों ने दिया होगा कि सही नहीं दिया उसमें, लेकिन जब मैंने उसको गहराई से देखा था मेरा अंदाज है कि 30-40 से कुछ होना चाहिए इसका, उसको ऊपर वो ये 300-400 का ना वो तो ऐसे चढ़ाका बढ़ाका कह रहे हैं लोग। 82 नाम आपने दिए थे, तो एसटीएफ ने कितने नामों पर सैंक्शन किया था इसमें जो 82 नाम आपने दिए थे? मैंने दिया 82 नाम जो मेरे हिसाब से संदिग्ध होना चाहिए, लेकिन उन्होंने केवल 17 नाम उन्होंने आइडेंटिफाई किया उसका, 17 नाम को उनका मूवमेंट में कोई संदिग्ध है उसको, तो लेट देम फाइंड आउट पूरा वास्तव में हुआ क्या उसका। तो सर, ये कब तक पूरी जांच हो पाएगी? क्योंकि बच्चे हाईकोर्ट भी गए थे, हाईकोर्ट ने 70 दिन का टाइम दिया कि 70 दिन में पूरा निपटाओ, अब तो खैर 6 लोग इसमें पकड़े भी गए हैं, तो कब तक और इंतजार इसमें करना पड़ेगा? और चूँकि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने 70 दिन बता दिया है, तो मैं तो मान के जा रहा है कि मैक्सिमम 70 दिन में वो लोग कर ही देंगे पुलिस वाले को, लेकिन आप ये मालूम होना चाहिए ऐसा नहीं है आज की बात है, पिछले 1.5 महीने से हमको और एसटीएफ के बीच में बातचीत होती रहती है, बहुत सारा डेटा उनको निकाल कर हम लोगों ने दिया, इसलिए इतने जल्दी वो पकड़ पाए हैं उसको। तो मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी इसको पकड़ लेंगे, बिकॉज वो जो एसटीएफ के जो अधिकारी है वो डीएजी है, पहले हरिद्वार में कर चुके हैं वो।
हरिद्वार में जो जो फॉरेस्ट गार्ड होता है वो जानते हैं उसका, और सबसे ऊपर एक एडीजी है, वो एडीजी जो वो जो है वो सीबीआई में पहले काम कर चुके, वो लोग जानते हैं कैसे जांच करना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो एक डेढ़ महीने में वो लोग दें कुछ। ये लीक कहाँ से हुआ है, इसका अभी तक पूरे तरीके से खुलासा नहीं हो पाया है, क्योंकि हो सकता है कुछ आपके अंदाज से कि आयोग के कुछ लोग इसमें शामिल हों, अंदर से कुछ लोग शामिल हों, क्या लग रहा है आपको? नहीं, वो तो आप कुछ कह नहीं सकते हैं इसका, तो लेट अस सी कहाँ लीक हुआ, बिकॉज जब पुलिस जाए इंक्वायरी सीरियसली चल रहा है उसमें कुछ कहना ठीक नहीं है इसका। लेकिन सर एग्ज़ाम से पहले ये लीक हो गया था पूरा का पूरा, तो कई बच्चे सवाल भी पूछ रहे हैं कि फिर ये दोबारा क्यों नहीं होना चाहिए? तो डिपेंड्स है ना, मतलब अगर लीक भी हुआ है, देर आर टू टाइप्स ऑफ लीक्स, एक होता पूरा दुनिया का पता चल गया कि क्वेश्चन पेपर क्या है, और दूसरा अगर मान ली सीमित संख्या में कर दिए हैं, मतलब कुछ हमको निकल के आ रहा है केवल इन इन 30 लोगों को या 20 लोगों को पढ़ाया गया इतनी क्वेश्चंस, फिर तो वो सीमित हो गया ना वो, तो फिर तो हमको कॉमन सेंस को अप्लाई करना पड़ेगा। जब अगर मान लीजिए अभी से 17 निकल के आए हैं, अगर मान लीजिए 20-30 भी आ जाता है, तो 30 के चक्कर में 917 लोगों को परेशान थोड़ी करेंगे इसको। तो हम तो देखेंगे कि यह सीमित है या नहीं है, अगर सीमित नहीं है तो कैंसिल तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर सीमित है। सीमित कितने तक माने सर हम, कि मतलब इतने लोग अगर होंगे तो तब उसके बाद दोबारा हो सकता है, कितना सीमित माने हम? नहीं, सीमित का मतलब पुलिस को तो ये पता कर लेगा ना कि कौन कौन था उसमें, अगर मालिक किसी रिसोर्ट में जाके क्या था उसमें कौन कौन शामिल था, और एक ही जगह में होता है 2-3 जगह में होता है, ये देखना पड़ेगा ना। अगर वो पता कर पाते हैं फिर तो हम लोग उसको स्टडी करेंगे इसका जब रिपोर्ट आना देंगे, क्योंकि इसके कारण जो है वो जो कलर का एग्जाम जो हुआ था वो भी उनका डीवी नहीं हो पा रहा है, बड़े परेशान है, क्योंकि 2020 में उसका एग्जाम हुआ था और 2021 में ये हुआ था, उनका अभी तक डीवी नहीं हुआ है, वो कह रहे हैं कम से कम हमारी भर्ती तो ना रुकवा, हमारा तो डीवी कर दो। वो तो मैंने फैसला ले लिया है कि वो जो बाकी है, चूँकि अभी इसमें जो कुछ निकल के भी आ रहा मसाला, इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि जो क्लरिकल कैडर का जो डीवी है वो अगस्त में निकाल देंगे, जब अभी एलटी को चल रहा है 28 जुलाई तक, इसके बाद एक एग्जाम है, इसके बाद उसको डीवी स्टार्ट कर लेंगे हम लोग, उसको जो क्लरिकल कैडर का स्टार्ट कर लेंगे, क्लरिकल कैडर वगैरह में शुरू कर देंगे, इसके लिए वेट नहीं करेंगे हम लोग उसको। इसका मतलब इसकी जो जाँच का रिपोर्ट का वेट नहीं करेंगे अभी? ना, अभी कोई फायदा है नहीं इसका, जो बिकॉज वो जांच के रिपोर्ट तो उस तक कब आ जाए, 17 दिन तो दे रखे हैं कोर्ट ने, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 1-1.5 महीने में दे देंगे, लेकिन वी डोंट वांट टू वेट फॉर दैट, तो वाई अननेसरली वेट फॉर समथिंग जो पता नहीं उसमें क्या क्या होगा, इसका कोई कोर्ट में भी जा सकते हैं। चलिए सर, कुछ लोगों के हम लोग अब सवाल लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग बड़े परेशान हो रहे हैं कि ऐसा राजू जी से बात कीजिएगा, उनके सवाल हमारे सवाल जरूर रखिएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि वन दरोगा पेपर कोचिंग संस्थाओं के जरिए लीक हुआ है तो सीमित तो मुश्किल ही होगा, यह सवाल भी कह रहे हैं, क्योंकि कोचिंग संस्था के नाम भी इसमें कई आए हैं, तो कोचिंग संस्था में तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या मतलब ये अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है कि ये सीमित नहीं होगा, इसमें बहुत सारे धांधली हो सकती है? वो अब लोग मीडिया ट्रायल ना करें, लेट अस लेट द पुलिस गिव अ रिपोर्ट, वी शुड नॉट जंप टू एनी कंक्लूजन ना, लेट देम गिव अ रिपोर्ट। अगर हम लोग सिंसियर नहीं होते हम लोग पहले FIR करते क्यों उसका, हम तो सीरियसली ट्राई कर रहे हैं कि इसमें पकड़ना पड़ेगा इसको, अगर अगर सीमित हो जाता अच्छा है, नहीं तो फिर देखना पड़ेगा उसका। कुछ लोग देख रहे हैं यही हाल हुआ है वन दरोगा फॉरेस्ट गार्ड का भर्ती कब यही हुआ भर्ती, वो भी जो वन दरोगा भर्ती है, भर्ती में कुछ है तो नहीं, उसमें तो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन था, उसको तो हटा दिया गया, और क्या इसका ठीक है, उसमें कोई लीक तो नहीं, लीक का ऐसा कोई मामला ऐसे वैसे अभी तक लीक का कहाँ हुआ अब UKSSC में, पहले बार हो रहा, इसके पहले एक बार लीक हुआ था वो फॉरेस्ट गार्ड में, वो भी सेंटर से लीक हुआ था, एक सुबह उसने किया था, तो सेकंड टाइम है ये बस। स्टेनो की 158 की ज्वाइनिंग कब होगी, ये भी सवाल पूछ रहे हैं जो स्टेनो, ये सब हम धीरे धीरे शुरू कर देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल डीवी पहले कर देंगे बाबू को, इसके बाद स्टेनो को, इसके बाद इसको ऑलरेडी करेंगे उसको। उन पर क्या कार्रवाई होगी जिन्होंने पैसे दिए हैं, इस प्रकार के सवाल भी आ रहे हैं, अब उनका क्या होगा, ये पुलिस जांच का है कि वो लोग जेल तो जाएंगे, प्लस हम इनको बैन तो करेंगे, वो तो नॉर्मल बात, वो तो करना ही पड़ेगा जो करेगा, लाइक फॉर एग्जांपल अभी जो फॉरेस्ट गार्ड में हमने पकड़े थे उसमें भी 8 लोग तो कोर्ट में आदेश लेके आ गए, लेकिन हम तो छोड़ने वाला नहीं है, हम तो कार्रवाई तो अभी भी उनके खिलाफ बरकरार रखें, भले वो कोर्ट से उनको छोड़ दिया होगा, किस कारण से छोटा है वो लंबा कहानी है, मतलब ठीक। LT की चयनित सूची विभाग कब तक भेजेगा, ये सवाल भी आ रहे हैं, LT की चयनित सूची 28 तक DV है ना, 28 तक DV है, तो मतलब कम से कम उसके बाद 15-20 दिन लगता है उसका प्रोसेस करने के लिए। चलिए लगभग सारे सवाल आ रहे हैं, LT भर्ती पर अन्य परीक्षाओं पर इसका कोई असर तो नहीं पड़ेगा सर, LT भर्ती अन्य परीक्षाओं की बात कर रहे हैं।
ना क्यों असर पड़ेगा, जैसे मैंने आप लोग कह दिया ना, जब लीक कह रहे हैं कि ये एक ही लीक हुआ ना, अगर फॉरेस्ट गार्ड में दो ही लीक है तो ये कहना गलत है भी हर 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 भर्ती में घोटाला। ये तो ऐसे कहने के लिए नेतागिरी में लोग कह देते हैं, लेकिन हुआ कहाँ इसका? इनफैक्ट जो जो नेतागिरी करते हैं उनको ये भी मालूम है कितना एग्जाम हुआ है। कहना बहुत आसान है कि हर भर्ती में हो रहा, हर भर्ती में क्या हो रहा है इसका? लीक का मतलब दो ही है। अब यूपी में देख लीजिए कितना लीक हुआ पिछले दो तीन साल में, वो तो लगभग 11-12 लीक हो गया था उसका। तो ऐसा नहीं है कि जो नेतागिरी के लिए सब कुछ कह सकते हैं कि हर हर भर्ती में धांधली है। लेकिन अब कुछ सर नॉर्मलाइजेशन पे कुछ सोच रहे हैं? अभी रिटायरमेंट है आपका, कुछ जाते जाते सोच रहे हैं कुछ स्वरूप बदला जाए आयोग का? ना, देखिए नॉर्मलाइजेशन तो हमको करना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि जब तक हम ऑनलाइन बरकरार नहीं रखते हैं तब तक हम जल्दी नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन की वजह से ही वो हमारा भर्ती अभी तक हमने 10-12 हज़ार कर दिया, किसी कमीशन इतना किया नहीं है, 10-12 हज़ार कर दिया है। इसका मेन कारण जो है ऑनलाइन है और नॉर्मलाइजेशन है, और ऑनलाइन करके नॉर्मलाइजेशन होना ही पड़ेगा उसको। सो नॉर्मलाइज तो करना ही पड़ेगा, इतना कि नंबर ऑफ शिफ्ट तो कम करना पड़ेगा, 2-3 इस तरह कम करना पड़ेगा, 18 शिफ्ट वगैरह नहीं चलेगा, बस इतना ही है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बारे में देखिए एक और चीज़ भी है, उसको जो लोगों को मालूम होना चाहिए, ये जो नकल मफिया है जो आप आज जो एक्सपोज हुआ है, यही लोग ऑनलाइन विरोध करते हैं, बिकॉज ये लोग एक्सपर्ट है ऑफलाइन में, लेकिन ऑनलाइन के लिए दूसरी गैंग है। तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम हो जाए, और ऑनलाइन एग्जाम ना होने के लिए अटैक करने के लिए एक ही अच्छा तरीका नॉर्मलाइजेशन ना हो जाए इसका। अदरवाइज नॉर्मलाइजेशन पूरा दुनिया में हो रहा है, मुझे बताया जा रहा है सब रेलवे में खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है। रेलवे खत्म नहीं किया, रेलवे ने साफ साफ कहा है यथासंभव लोग कोशिश करेंगे, अगर नहीं है तो हम इस तरह का नॉर्मलाइजेशन करेंगे, ऐसे लिखा है। वो गलत फहमी है लोगों का कि RRB ने खत्म कर दिया इसका। अभी सर कितनी भर्तियों की और DV होनी बाकी है अभी? क्योंकि बहुत सारी भर्तियाँ होंगी जिनकी DV होनी बाकी है, और बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं। नहीं, DV तो अभी ड्राइवर का और LT का और ये क्लरिकल कैडर का बस, और ये स्टेनो और सचिवालय सुरक्षा का, इनका DV होना है। तो जो बच्चे सर, क्योंकि जो मेहनती बच्चे हैं वो बड़े परेशान हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी इस बारे में कि जांच इसकी हो, जांच के वो खिलाफ़ नहीं है, लेकिन कम से कम उनको ज्वाइनिंग मिल जाए, तो आपको उनके बारे में कहना है? क्योंकि बहुत सारे गरीब परिवार से भी आते हैं और यहाँ पर कोचिंग कर रहे हैं देहरादून में रह के, तो उनको एक बार बता दीजिएगा अपने माध्यम से कि क्या कुछ होने वाला है इसमें, क्या भर्ती कैंसिल होगी नहीं होगी, कितने परसेंट चांस है इसमें जाते जाते? देखो ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो भी मेरे पास बार बार आते रहते हैं, वो भी जांच के विरुद्ध नहीं है, वो भी कहते हैं इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है, सो जांच तो करना पड़ेगा। मैं भी शुरू से ही सोच रहा हूँ इसमें कोई गड़बड़ तो हुआ कुछ, लेकिन मेरे मानना है कि इसमें सीमित गड़बड़ हुआ है इसका। तो ये सीमित गड़बड़ ना डिपेंड्स ऑन द पुलिस रिपोर्ट में कैसा निकल कर आता है। ऐसा तो नहीं है कि पूरा फैल गया मामला, सबको मालूम हो गया क्वेश्चन पेपर, ऐसा नहीं लग रहा है इसमें ऐसा लग रहा है कुछ सीमित लोगों को पकड़ा गया, उनको जो पैसा दिए हैं उनको क्वेश्चन पेपर दिया गया था या आंसर दिया गया था। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है कि आंसर दिया गया, क्वेश्चन पेपर भी नहीं दिया गया। जैसे वो बहुत सारे उसमें जैसे वन दरोगा का अभी तक DV नहीं हुआ, 2019 की भर्ती, इतनी लंबी क्यों लटक रही हैं सर? ये DV अभी तक क्यों नहीं हो पा रही है, रिजल्ट जारी क्यों नहीं हो पा रहा है, कई ऐसी भर्तियाँ हैं? केवल वन दरोगा में ना, वन दरोगा में तो स्पेशल प्रॉब्लम था ना, वन दरोगा लोग कोर्ट रूम में गए थे, सहायक लगाकर में तो हमने कैंसिल ही कर दिया, देर तो लगता है इसलिए कि उसमें फैसला लेना था इसका, अल्टीमेटली हमने फैसला ले लिया, सहायक लगाकर कैंसिल ही कर दिया है इसका। लेकिन वन दरोगा में लोग कोर्ट रूम में गए थे ना, हम लोग सोचना तो पड़ेगा इसका, बिकॉज दैट वॉज अ सीरियस मैटर। तो फॉर्चुनेटली कोर्ट ने कह दिया आप इसको डिस्पोज कर, आप भी दोबारा लोग कोर्ट में गए हैं, और जो 10 लोग कोर्ट में गए हैं उनको राहत मिला है उनका अगर, लेकिन अभी तो फिजिकल तो उनका अभी हुआ ना एक पिछले महीने, अभी इसको निकालेंगे इस बार। चलिए बहुत सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम जो आपके सवाल आ रहे थे लगभग हमने सभी सवालों के जवाब ले लिए हैं, और उम्मीद करेंगे सर अब आपका रिटायरमेंट भी है, जाते जाते एक बहुत अच्छा आप सौगात भी देखे गए हैं कि इस प्रकार की भर्तियां जो इसमें धांधली होती है, अगर धांधली होगी तो बक्सा इसमें नहीं जाएगा। लेकिन सर आप लोगों पर भी बार बार सवाल क्यों उठ जाते हैं कि भाई जैसे आप कमेंट बॉक्स में अभी मैं देख रहा हूं कि भाई एस राजू जी या संतोष बड़ोनी जी को पद से हटाओ, और इनको इनके होते हुए इतनी धांधली भी, आप लोगों पर क्यों सवाल उठते हैं सर इतने बार बार? हम लोगों पर सवाल उठने के लिए स्पेशली बड़ोनी के बारे में, असल कारण इसका नकल मफिया है पीछे इसका, और कोचिंग मफिया है। ये कोचिंग मफिया नकल मफिया का प्रॉब्लम है, जब से बड़ोनी आए हैं तब से इनको वहाँ बहुत कर नहीं पा रहे हूँ,
बहुत ही केयरफुली करना पड़ता है उन लोगों को, करना पड़ रहा है इसका, नहीं तो आम बात हो जाती है कि कभी कभी कोचिंग से सीधा क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं लोग। यहाँ पुराने लोग हैं जो पहले भर्ती देखे हैं वो जानते होंगे, जब से भदोही आए हैं तब से कैसा सुधार हुआ सब लोग जानते होंगे, तो इसलिए स्वाभाविक है। आजकल जो सरकारी नौकरी के बारे में कोई विश्वास तो करता नहीं है, हर आदमी सोचता है कि बेमान है इसका, लेकिन असल कारण ये है इनके पीछे मफिया पड़ा हुआ है, वो चाहते हैं कि भदोही ऐसे हट जाएँ। और अनफॉर्चुनेटली ये बाबी पवार भी उसमें शामिल हो गया, यू शुड रियलाइज दैट, वो भदोही के बारे में, भदोही की ईमानदारी के बारे में उसको मालूम होना चाहिए, जानता भी है, लेकिन उसके जैसे फॉर एग्जांपल बाबी पवार के कारण ही तो मानेंगे कि जो आज इतनी जो जांच इतनी आगे बढ़ी है और जो एसटीएफ ने एसटीएफ की भी हेल्प उनको ली है, तो कहीं ना कहीं जो आज जो खुलासा हुआ है इतना बाबी पवार का भी हाथ है इसमें। डेफिनेटली तो मतलब शुरू से आई वॉज नेवर अगेंस्ट हिम, बट जब वो किसी मामले को पैरवी करता है समझ से करना चाहिए, सब ऑनलाइन के कर रहे हैं, आई एम श्योर दैट ऑनलाइन के पीछे ये ऑफलाइन मफिया ही है उसको ऑनलाइन को गोली मारने के, वो तो पूरी भारत में हो रहा है, जहाँ भी ऑनलाइन हो रहा है ये जो ऑफलाइन मफिया है ये जाके कुछ ना कुछ उसके खिलाफ बोल देते हैं, वो जहाँ भी अभी भारत में तीन ही कंपनी है अच्छी कंपनी, अब तीनों के खिलाफ जो है कुछ ना कुछ जैसे कहा जा रहा है कि वो NICT ब्लैकलिस्ट हो गया है, ब्लैकलिस्ट हुआ नहीं है, ऐसा बहुत प्रचार ये नकल माफिया, उस समय ये बाबी पवार को केयरफुल रहना चाहिए, उनको ये इस चक्र में नहीं पड़ना चाहिए, सोचना चाहिए कि वास्तव में नॉर्मलाइजेशन क्या है। बहुत सारा बच्चे कहते हैं नॉर्मलाइजेशन तो हर जगह में चल रहा है, भारत सरकार में हर एग्जाम में चल रहा है इसका, तो इसका इशू नहीं बनना चाहिए इसका। बहुत बहुत धन्यवाद, और उन बच्चों के लिए खासकर जिन्होंने ये एग्ज़ाम निकाला है वो पैनिक ना हुए, घबराएं मत बिल्कुल भी, सर का साफ तौर पर कहना है कि भर्ती जल्दी से कैंसिल ये नहीं होने वाली है, जो बच्चे इन्होंने मेहनत करी है उनको जरूर इसमें ज्वाइनिंग मिली। तो आज के लिए इतना ही, आप देख रहे थे आपका अपना परवजन डिजिटल।